I'm Dr. Anit Sahani, and today's video is dedicated to all senior citizens. Please share it with your parents and friends, whosoever is above the age of 60, 65 years. Today, I'm going to talk about the benefits of the yellow smiley ball. अगर आपने अपनी लाइफ में रोज 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को इस येलो स्माइली बॉल के साथ बिताना शुरू कर दिया तो आपके 90% लाइफ के इश्यूज ठीक होने शुरू हो जाएंगे। वेल कैसे? जब हम बॉल को ऐसे दबाते हैं, हमारे हैंड में नर्व एंडिंग्स होती हैं टिप्स में। सबने एक्यूप्रेशर के बारे में सुना होगा। सो जब हम ऐसे दबाते हैं तो ये नर्व एंडिंग्स प्रेस होते हैं और हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी नर्व्स हैं सारी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती हैं। सो एवरी डे 5 मिनट्स आपने रोज ये एक्टिविटी करनी है। जहाँ हाथ थक जाए वो हाथ आप 1 मिनट के लिए रख सकते हैं, फिर वापस आपने शुरू कर देना है। सुबह शाम ये एक्टिविटी करनी है जो कि बहुत आसान है। उसके अलावा इस एरिया में, हमारे रिस्ट एरिया में मसल्स भी होते हैं, तो ये हमारे ओवरऑल हैंड को स्ट्रेंथन करते हैं। यहाँ जितनी नर्व्स एंड मसल्स जा रही हैं, ट्रेमलिंग के इश्यूज जिनको शुरू हो जाते हैं वो सब भी कर्ब हो सकते हैं। जिन जिन लोगों को अपने नीज को हेल्दी रखना है, बस इस बॉल को आपने नी के नीचे रखना है ऐसे, और फिर नी को ऐसे प्रेस करते हुए, फिर बॉल को ऐसे पैर को एक्सटेंड करते हुए ये पैर के पंजों को अपनी तरफ रखिएगा। ऐसे नहीं करना है बट अपनी तरफ रखना है। सो दिस इज द होल एक्सरसाइज। बॉल को नीचे रखिया, दबाया ऐसे, और फिर एक्सटेंड करते हुए पैर टोज को अपनी तरफ करिए। एंड द सिंपल एक्सरसाइज इज गोइंग टू स्ट्रेंथन द मसल्स ऑफ दिस नी जॉइंट। डू इट फॉर बोथ द लेग्स लाइक दिस वन बाय वन, एंड इट डज नॉट टेक टाइम बट इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव टू कीपिंग द नी जॉइंट हेल्दी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, इसी बॉल से हम अपने ब्रेन की पावर को भी बढ़ा सकते हैं, हम अपने ब्रेन के सेल्स को बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज मैजिकल। अगर हम रोज 2-3 मिनट जगलिंग शुरू कर दें, ये जब हम करते हैं तो हमारे हैंड आई ब्रेन कनेक्शन एक्टिवेट होता है, न्यू न्यूरल पाथवेज बनने शुरू होते हैं और ब्रेन में नए सेल्स बनने शुरू होते हैं। तो सुबह शाम जब आप खाली बैठे हो, प्लीज़ ये एक्टिविटी करना शुरू करो। ये जगलिंग करते करते ही आपके ब्रेन सेल्स ऐसे बढ़ने लगेंगे कि आपको डिमेंशिया या अल्जाइमर जैसी बीमारी कभी नहीं होगी। जो अक्सर हम सुनते हैं, मैं भूल जाता हूँ कोई एरेंड करने गया और मैं से होता नहीं है। सो कंटिन्यू डूइंग दिस जगलिंग एक्टिविटी एंड कीप स्टेइंग हैप्पी एंड हेल्दी।